नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन 2030 चैनल में। और आज बात करेंगे ऐसे पांच स्टॉक की जो आप अगले एक साल तक के लिए ले सकते हैं। वैसे तो मेरा हमेशा नजरिया मिनिमम 5 ईयर की होल्डिंग रहता है। कम से कम आप यहां से अगर बाय करते हैं तो 2027 से लेके 2030 तक के लिए पकड़िए। और ये जो पांच स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, छोटे स्टॉक है। जनरली मेरे जो स्टॉक होते हैं या तो वो माइक्रो कैप के रहते हैं या फिर स्मॉल कैप साइज के रहते हैं, मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा है। तो 2022 एंड होने वाला है, दिसंबर मंथ शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो का जो एम है, जो ये जो पांच स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप 2023 में इन स्टॉक को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे, बढ़िया रिटर्न देते हुए देखेंगे। आप एक साल की होल्डिंग के लिए भी इनको देख सकते हैं। और चलिए ये तो बात हो गई, बट अगर आप इन पांच स्टॉक को ये वाले टाइम पीरियड तक के लिए ले लेते हैं तो काफी उम्मीद है आपको 5x से लेके 10x तक के रिटर्न्स दिख सकते हैं। और ये रिटर्न्स होते हैं क्या? वेल्थ। ये चीज होती है जो वेल्थ क्रिएट करती है, जो आपके पैसे को कंपाउंडिंग करती है, मतलब आपकी मनी का कंपाउंडिंग करती है 1x 2x 3x, ठीक है, मतलब आपका 10,000 50,000 ऐसा जो पैसा बनता है। तो आइए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूं, वीडियो का मेन आपको इंट्रो मिल गया होगा। पांच स्टॉक 2023 के लिए आप उठा सकते हैं, और लंबे टाइम के लिए अगर निवेशित रहते हैं, इन्वेस्टेड रहते हैं, तो बहुत ही उम्दा रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक से एक बेहतरीन स्टॉक इस वीडियो में। तो ये एक बार डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल के पर्पज से ही है। आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेके ही करें। सॉरी, ये है तो पांच स्टॉक में जो सबसे पहला स्टॉक है वो है गोल्डियम इंटरनेशनल। करती क्या है कंपनी? ज्वेलरी बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग के, और ग्लोबल रिटेलर्स इसके भैया वर्ल्ड में क्लाइंट है, ठीक है। जो गोल्ड गोल्ड की जो गोल्ड एंड डायमंड की जो ज्वेलरी होती है, तो एक स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 124 रुपए का इसका प्राइस है मात्र। स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है, पी जो है सस्ती है। आप इसमें मतलब भाव जो है धंधे के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, ऑपरेटिंग मार्जिन के हिसाब से अच्छा है, ठीक है। और आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और बहुत बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलेगी इस स्टॉक की। तो 124 के प्राइस पे इसको आप एक साल की होल्डिंग के लिए यहां से बाय कर सकते हैं। लंबे टाइम तक के लिए लेते हैं तो और भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्टॉक है। अगला स्टॉक आता है दोस्तों सीएमएस इन्फो सिस्टम। कंपनी क्या करती है? जो एटीएम पॉइंट्स, ठीक है, रिटेल पिकअप पॉइंट्स एज ऑफ द कंपनी इज एंगेज इन इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग असेट्स एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू एन एंड टू एंड आउटसोर्स बेसिस फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उस पर काम करती है। ई कॉमर्स टाइप की कंपनी है, बेसिकली ई कॉमर्स का जो बिजनेसेस होता है, और स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 332, आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 28 नवंबर, कंपनी का हाई है 52 वीक 356, तो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही ट्रेड कर रही है। वैल्यूएशन बढ़िया है, 20 की पी है, और जबरदस्त उम्दा आरओसी है, जबरदस्त उम्दा रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो इसमें भी आप बाय करके चल सकते हैं, बढ़िया स्टॉक है। अगला स्टॉक मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है, और जो मिशन 2030 के जो मेंबर हैं उन्होंने इसको 650 से बाय किया हुआ है, इवन 700 पे भी मैंने काफी लोगों को पकड़वाया। केपीआई ग्रीन बहुत बेहतरीन स्टॉक है, जो सोलर पावर एनर्जी से रिलेटेड है। बहुत छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत ही माइक्रो साइज की कंपनी है। 905 करंट प्राइस, 964 का क्या कहते हैं हाई है इसका, और बहुत बढ़िया प्लान है इस कंपनी के, बहुत बढ़िया कैपेक्स प्लान है इस कंपनी के। तो वीडियो बनाने में दोस्तों जब थोड़ी देरी हो ही जाती है, बट अगर मुझे कुछ नजर आता है, कुछ दिखता है, तो मैं, हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप जिसमें मिशन 2030 के मेंबर ज्वाइन है, ऑलऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिनका फोकस है, जिनका फोकस वेल्थ बनाना है, और जो बाय कर लिया 2030 तक होल्ड कर लिया वो उसमें मेंबर्स हैं। चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर आपका एम प्रॉफिट लेना नहीं, वेल्थ बनाना है, तो जरूर इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड करना चाहिए आपको। और आपको हैंड होल्डिंग मिलेगी बहुत ही मिनिमल चार्जेस में नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये है आरओसी, बहुत अच्छी है,
20.7%, ROE 33.4%, बहुत बेहतरीन स्टॉक है और बहुत अच्छे कैपेक्स प्लान है इस कंपनी के, ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसमें जरूर इन्वेस्ट करिए। और अगला स्टॉक आता है केपी एनर्जी लिमिटेड। ये क्या है दोस्तों, वो जैसे सोलर पावर पे थी तो ये आपके विंड एनर्जी बेसिकली, और इसके भी काफी बढ़िया डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ विंड फार्म्स, ठीक है, राइट फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन अंटिल द कमिशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। द कंपनी अंडरटेक प्रोजेक्ट प्रिंसिपली इन गुजरात, अभी फिलहाल गुजरात में ही है, और 454 करोड़, बहुत छोटी कंपनी है, 409 का करंट प्राइस है, 15 की पी है, बट आप आरओसी और आरओई देखिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन है। और देखिए अपना जो जीरो नेट एमिशन, इसका जो अपना मोदी जी का जो सपना है ना, इन चीजों में जो चीज, जो भी चीज आएगी वो परफॉर्म करेगी, ठीक है, सोलर आपके सोलर सेल से रिलेटेड जो है परफॉर्म करेंगे, आपके विंड एनर्जी से रिलेटेड जो है परफॉर्म करेंगे, आपके हाइड्रो से रिलेटेड जो है परफॉर्म करेंगे, आपके इथेनॉल से रिलेटेड जो जो शुगर के स्टॉक रहेंगे जैसे पराज इंडस्ट्री परफॉर्म करेंगे, ठीक है, इन चीजों में ही ये थीम है, अगले 20 साल की थीम है, 5-10 साल की थीम नहीं है, ये जो रिलेटेड सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो सेक्टर है वो परफॉर्म करेगा भैया, पैसे बनेंगे तो इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अब अगला स्टॉक आता है, बहुत बेहतरीन स्टॉक है, आप कह लीजिए 435 के करीब आज ये ट्रेड कर रहा है 28 नवंबर को, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, करंट प्राइस 434, 52 वीक का हाई 474, 28.7 की पी है, थोड़ी सी महंगी है इस मार्केट कैप के लिए जो कि बहुत माइक्रो साइज का है, बट ये देखिए आरओसी 29.8%, आरओई 25.6%, ठीक है, काम क्या करती है कंपनी, ये देखिए डेवलपिंग डिजाइनिंग डेवलपिंग मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रडार सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर इट्स कस्टमर्स मेजरली फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। तो ये भैया बूम पे है आजकल और ये अगले 10 साल तक रहेगा, आपको सब कुछ देखेगा धीरे धीरे AI पे ही डिपेंडेंट होता जा रहा है, और डिफेंस सेक्टर तो जितना मोदी गवर्नमेंट का वो है आत्मनिर्भर भारत कि साल हम बाहर से कुछ लेंगे ही नहीं, अपनी चीजें बढ़ाते जाएंगे, तो ये स्टॉक मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, 435 पे है, तो इसको भी आप बाय करके चल सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें देखिए आप, फिर सलाह लीजिए आप, क्या कहते हैं, अपने वित्तीय सलाहकार से, अपने जो सेबी रजिस्टर्ड हो तो और भी अच्छा, उनसे पूछ के ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस से थे। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है नीचे, आप जुड़ सकते हैं, मिशन 2030 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हैंड होल्डिंग दी जाएगी आपको, कौन सा स्टॉक पर मंथ SIP भी हम बताते हैं, तो वो अगर आपको चाहिए, वीडियो बनाने में दोस्तों देरी हो जाती है, काफी सेटअप करना पड़ता है, स्टॉक निकालने पड़ते हैं, पर ये हम लोग जो देखिए, जैसे मैंने अभी 10 वीडियो बना दी तो 50 स्टॉक कम से कम रिकमेंड कर देंगे, तो 50 स्टॉक क्या हम पकड़ के बैठे हैं, नहीं, हम अपना पोर्टफोलियो बना के बैठे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि जो जो मैं बताता जा रहा हूं वो सब मिशन 2030 में सबने बाय किया हुआ है, उसमें से कुछ स्टॉक हैं जो हमने पकड़े हुए पीछे से पकड़े हुए, जैसे मैंने KPI ग्रीन बताया, ये हमारा मिशन 2030 का स्टॉक है, हमने पीछे से पकड़ा हुआ है, बाकी इनमें से भी हमने किसी में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो जो जैसे दिखेगा वैल्यूएशन, जिसकी सस्ती दिखेगी उसको उठाते हैं, जैसे मैंने आपके साथ GNFC शेयर किया था, GNFC 550 पे मैंने सबको उठवाया, 4 की पी थी उस स्टॉक, तो ये सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप मिशन 2030 के पार्ट बन सकते हैं, चार्जेस आर ओनली 15,000 फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स, कॉन्टैक्ट अगर आपको करना है तो टेलीग्राम का लिंक है नीचे, उस पर जुड़ आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, रेस्ट इन स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, आप अपने किसी दोस्त से सलाह से सलाह लेके ही इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।